श्री दिगंबर जायसवाल जैन समाज ने बढ़ाए सेवा के हाथ। नाका बाजार में कोरोना संक्रमितों को राहत देने के लिए कोविड केयर सेंटर किया शुरू। श्री दिगंबर जायसवाल जैन समाज द्वारा कोविड संक्रमण के दौर में कोविड मरीजों को सहायतार्थ व सेवार्थ एस के सदन श्री जी वाटिका लाल मंदिर के पास मदार में गुरुवार को कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सैनी की गौरवमयी उपस्थिति में इस कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जैन समाज के अनेक गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था के साथ 20 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। यहां दवा, भोजन, आवास सहित तमाम तरह की व्यवस्थाएं जैन समाज की ओर से उपलब्ध कराई गई हैं। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कोविड केयर सेंटर के उद्घाटन अवसर पर जैन समाज के सेवाभावी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक समाजसेवी व धार्मिक संस्थाएँ कोविड जैसी महामारी में लोगों को सहायता और संबल प्रदान करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं। इसी के तहत कल भी एक धन्वंतरी कोविड आइसोलेशन सेंटर रामनगर में शुरू हुआ, तो वहीं आज जैन समाज ने मदार में कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसके चलते समाज के लोग बधाई के पात्र हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच मोबाइल पर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच मोबाइल पर, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा यहाँ पर कोविड केयर सेंटर शुरू किया, जिसमें माइल्ड के साथ साथ मॉडरेट पेशेंट के लिए भी ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर के साथ। ये बहुत ही अच्छी पहल है और धीरे धीरे इस तरह से सभी लोग पहल करें सामाजिक स्तर पर, तो कोविड-19 में जो अभी फिजिकल बीमारी के साथ साथ मानसिक परेशानी भी हो रही है, तो इस तरह से समाज जब आगे आएंगे तो बहुत ही अच्छा लोगों में रिलीफ जाएगा और अच्छा मैसेज भी जाएगा, और इस तरह से कई वॉलंटियर्स सामने आएंगे और कोविड पेशेंट्स की सेवा करेंगे और इलाज में मदद करेंगे, तो साथ साथ सभी लोग सामने आएंगे समाजों के, तभी इस बीमारी से हम बड़े स्तर पर युद्ध लड़ पाएंगे। और सरकार के साथ साथ सभी सामाजिक संगठनों से भी ये अपेक्षा है कि अभी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अधिक से अधिक लोग डोनेट करें, अपने सामाजिक स्तर पर ही ऑक्सीजन बैंक बनाएं और जिला स्तर पर, सिटी स्तर पर ऑक्सीजन बैंक जितना अधिक बनाएंगे उतना हम जिन पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनकी मदद कर पाएंगे। जिला परिषद CEO गौरव सैनी ने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत जैन समाज ने अभी 20 बेड का जो यह केयर सेंटर शुरू किया है, उसमें मरीजों को ऑक्सीजन भी मिल पाएगी ताकि बड़े अस्पतालों पर दबाव कम हो सकेगा और अपने नज़दीक ही पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इसके लिए सभी जैन समाज के लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए, बिल्कुल, जो ये सामाजिक सरोकार जो ये शुरू किया गया है, ये बहुत ही अच्छी पहल है और अभी 20 बेड के साथ शुरू किया है, जिसको बढ़ाया जाएगा और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर को खुद इन्होंने अपने पहल करके उनकी व्यवस्था की है और यहाँ पर जो चिकित्सकीय व्यवस्था है वो भी की गई है। तो जो ये शुरुआत की है, ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी कायम रहेगी और दूसरे जो लोग हैं वो भी इसे सीख ले करके आगे ऐसी और पहल करेंगे। समाज के हेमंत जैन ने जिला कलेक्टर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासकीय सहयोग के बिना इस पुनीत कार्य को नहीं कर सकते थे। जिला कलेक्टर ने उन्हें इस कोविड केयर सेंटर को बनाने में प्रेरणा और सहयोग दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में हेमंत जैन, विनीत जैन, नितिन जैन, लोकेश जैन, बबलू दनगसिया, सुदीप जैन, अशोक जैन, शाहबजाद सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। खोल के बोला, बताइए क्या बात है। हमने कहा साहब, ये परमिशन चाहिए, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, गाड़ी रोकी, गाड़ी का गेट खोला, हमको पूरा एंटरटेन किया और हमको परमिशन लिखित में दी, अपनी गाड़ी में से ही पेन निकाला, गाड़ी में से पेन निकाल करके लिखा। मैं बहुत प्रभावित हुआ, हमारी पूरी समाज साहब आपको तहे दिल से धन्यवाद देती है और मौसा जी को भी। मौसा जी ने बहुत मेहनत करी, मौसा जी की वजह से ही हमको ये परमिशन मिल पाई है। मौसा जी ने मतलब अपना तन मन सब कुछ लगा दिया हमारे संग, और CEO साहब के लिए तो मेरे वर्ड्स ही नहीं है। मैं आऊंगा और हमें को ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं साहब से कि हमको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा हमारी समाज के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।